ईडी ने महाराष्ट्र के सातारा स्थित इस जरंदेश्वर शुगर मिल को आज सीज किया है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने सितंबर 2019 में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में अजीत पवार और 70 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। साल 2020 में सबूत के अभाव में पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, मगर ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया और केस की जाँच जारी रखी। और आज जाकर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी ने पहला एक्शन लिया। ईडी के मुताबिक जरंदेश्वर शुगर मिल को अजित पवार और उनकी पत्नी कंट्रोल करते हैं। दादा, ईडी जरंदेश्वर कारखाना की जब्ती के लिए मला काहीच माहित जप्तीचे असे बातम्या चालतात की जप्त केलं, मला काहीच माहित नाही। तुमच्या देखतच मी नाशिक वरून आता आलो। इस घोटाले के सामने आने की कहानी शुरू होती है एक पीआईएल से। चार लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाए गए कि महाराष्ट्र में शुगर मिल है, जब महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का करोड़ों का कर्जा नहीं चुका पाती है तो बैंक उनकी नीलामी करता है। इस नीलामी में नियम कानून ताक पर रख दिए जाते हैं और बैंक के डायरेक्टर ही औने पौने दामों में मिलों को खरीद लेते हैं या फिर अपने रिश्तेदारों से खरीदवा लेते हैं। बैंक के डायरेक्टरों के पद पर बड़े नेता होते हैं। अजीत पवार भी इसी बैंक में डायरेक्टर थे। तब बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने इस केस की जांच शुरू की। ईडी ने ये मनी ट्रेल ढूंढ निकाला है, एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपया जय एग्रोटेक से आया था। जय एग्रोटेक की मालिक अजीत दादा पवार और उनकी वाइफ मिसेस सुरेत्रा पवार थे और जो फैक्ट्री चलाते हैं तो उनके जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर राजेंद्र घाटगे अजीत दादा पवार के मौसले भाई है। अभी ईडी ने जिस मिल को सीज किया है, जांच के मुताबिक 2010 में उसकी नीलामी हुई थी। जरंदेश्वर एसएस को एक गुरु कॉमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने खरीदा था। सौदे के बाद इसे जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया गया, जो फिलहाल इसे ऑपरेट कर रही है। जरंदेश्वर एसएसके को खरीदने के लिए जरंदेश्वर शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने जो खर्चा किया था, वो रुपए उसके खाते में स्पार्कलिंग सॉयल प्राइवेट लिमिटेड से आए थे। ये कंपनी अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा अजित पवार से जुड़ी है। जांच से खुलासा हुआ है कि गुरु कॉमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक डमी कंपनी है, जिसे एसएसके को खरीदने में इस्तेमाल किया गया था। अजित पवार की ही तरह बहुत से अन्य ऐसे नेता हैं जो कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर के पद पर थे। बहुत सी अन्य चीनी मिले हैं जिन्हें इसी तरीके से नीलाम किया गया और इन्हीं नेताओं के रिश्तेदारों ने सस्ते दामों पर खरीद लिया। सूत्रों की माने तो इन सारे नेताओं पर भी बहुत ही जल्द ईडी कार्रवाई कर सकती है और अन्य चीनी मिले भी सीज हो सकती हैं, उन्हें भी ईडी अटैच कर सकती है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।